नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के पलवल जिले के पोंटरी गांव में हुई सर्व जाति हिंदू महापंचायत में आपत्तिजनक भाषण देकर दो समुदाय के बीच विवाद नफरत पैदा करने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। हथीन थाना पुलिस ने मुख्य प्रभारी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मिंडकोला पुलिस चौकी प्रभारी सचिन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। 13 अगस्त को पोंटरी गांव में आयोजित महापंचायत के समय पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई वीडियो की जांच की गई तो कुछ अंश आपत्तिजनक पाए गए, जिनके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन वक्ताओं ने महापंचायत में यह आपत्तिजनक वाक्य बोले हैं, उनकी वीडियो में देखकर पहचान की जा रही है, ताकि उनके नाम पता मालूम होने पर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके। अभी तक ऐसे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है, पहचान होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो पोंडरी में महापंचायत हुई थी उसके संदर्भ में कुछ हेट स्पीच की बातें उसमें आई थी सामने, तो उसी संदर्भ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें जो उस दिन की वीडियो फुटेज है उसकी पुलिस एनालिसिस कर रही है और उसमें कानूनी रूप से जो भी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी उसमें वीडियो फुटेज एनालाइज कर रहे हैं और उसमें आगामी कार्रवाई पहचान करके की जाएगी। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।